सुप्रभात बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं लोक भारती का पाठ 10 बूढ़ी काकी देखेंगे। इसे लिखा है श्री मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का परिचय देखते हैं बच्चों। इनका जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका देहांत अर्थात मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अप्रतिम कहानीकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं, अर्थात ये सम्राट माने जाते हैं। कौन बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद एक कहानीकार, एक सम्राट थे बच्चों। अब बूढ़ी काकी इस गद्य में क्या दिया है उसका सारांश थोड़े में देखती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, मतलब दिए हुए वादे से मुकर जाना और वृद्धों के प्रति जो तिरस्कार की भावना है, इस पर इन्होंने जोरदार प्रहार किया है, उसकी निंदा की है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति हमें आदर भाव रखने की प्रेरणा दी है। इसी पाठ में हम यही देखेंगे बच्चों। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, जैसे निर्मला है, गोदान है, सेवा सदन है, ये सब बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं बच्चों। सेवा सदन, बड़े भाई, बड़े घर की बेटी, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। यह जो कहानी है आज जो हम देखने जा रहे हैं बूढ़ी काकी, इसका अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं बच्चों। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन अर्थात बच्चों वापस आना, बुढ़ापा अर्थात बच्चों बचपन वापस आना। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी इनके पास नहीं था। समस्त इंद्रियों जैसे नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल ही करते। भोजन का समय टल जाता तो उसका परिणाम पूर्ण न हो पाता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उनको न मिलती तो बूढ़ी काकी बच्चों रोने लगती। और उनका रोना ऐसा साधारण रोना नहीं था और वो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। क्योंकि बच्चों कहा जाता है ना, वृद्धावस्था अर्थात बचपन का वापस आना, बूढ़े और बच्चे एक समान हो जाते हैं। जिस प्रकार बच्चों को समय समय पे खाना पानी नहीं मिला तो रोने लगते हैं ना, ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी को समय समय पे खाना नहीं मिला या बाज़ार से आई हुई कोई चीज़ें नहीं मिली तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। अब आगे बच्चों, उनके पतिदेव का स्वर्गवास सिधारे कालांतर हो चुका था, मतलब काफ़ी दिन बीत चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, मतलब इनको बेटे हुए थे परंतु जवान होकर वो मर गए। चल बसना अर्थात बच्चों स्वर्गवास हो जाना, उनका देहांत हो गया था। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। बूढ़ी काकी के पति भी गुजर गए और बच्चे भी बड़े होकर वो भी गुजर गए। अब इनके पास बच्चों कोई नहीं था, केवल एक उनका जो भतीजा था
वही उनका एक सहारा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, यही देख रहे हैं बच्चों, यह है धनपत राय, बूढ़ी काकी के भतीजे। इसी धनपत राय के नाम पर बूढ़ी काकी ने जो भी उनका संपत्ति था, धन संपत्ति, सब उसके नाम कर दिया। लिखाते समय ये बुधराम आप देख रहे हैं, ये बुधराम है, ये बूढ़ी काकी हैं, इनका भतीजा है। संपत्ति लिखाते समय तो भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सजबाग की तरह, अर्थात सब वादे खोखले निकले बच्चों पे। जब भी धन संपत्ति लेना था तो बहुत अच्छे अच्छे वादे किया, हम आपको संभालेंगे, आपको कुछ कष्ट नहीं होने पाएगा, हम अच्छे से देख रेख करेंगे। लेकिन जैसे ही नाम पर धन संपत्ति हो गया तो बुधराम में परिवर्तन आ गया, वादे सब झूठे निकले बच्चों। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। ये लोग बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी नहीं देते थे। कौन? बुधराम और उनकी पत्नी। पत्नी का नाम क्या था बच्चों? रूपा। और भतीजे का नाम बुधराम, और बुधराम के पत्नी का नाम रूपा था। बुधराम तो स्वभाव के बच्चों सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए, अर्थात वो बहुत सज्जन थे, परंतु जब उनके पैसे या धन संपत्ति पर कुछ आँच आता था तो बदल जाते थे। परंतु बच्चों ये रूपा है धन बुधराम की पत्नी, ये स्वभाव में बहुत तेज है, बहुत गुस्सैल है, और इससे बूढ़ी काकी बच्चों हमेशा डरती रहती थी, क्योंकि यह बूढ़ी काकी को हमेशा धमकाते रहती थी और समय समय पे खाना पानी नहीं देती थी, अन्य प्रकार से अत्याचार करती थी और प्रताड़ित करती थी। परंतु बच्चों कभी कभी बुधराम को दुख होता था, खेद होता था, विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भल मानुष बैठा हूँ। उनको बहुत ही मतलब कभी कभी फील होता था कि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं बूढ़ी काकी के साथ वो गलत है, मन में आता था, परंतु वो वैसा ही करते थे, खाली सोचते थे, परंतु बूढ़ी काकी के साथ इंसानियत निभाते नहीं थे। अब बच्चों इनके जो दो लड़के थे, किसके? बुधराम के। अब माँ पिताजी बूढ़ी काकी को इज्जत नहीं दे रहे थे, तो उनके बच्चे भी माँ पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे थे, तो ये दोनों बच्चों भी बूढ़ी काकी को बहुत तकलीफ़ देते थे बच्चों, उनको बहुत सताते थे। कोई चुटकी काटकर भाग जाता तो कोई मुँह में पानी लेकर उनके ऊपर थूक देता था, तो बूढ़ी काकी बेचारी चीख चीख करके रोती थी और उत्तर नहीं दे पाती थी, क्योंकि जैसे कुछ बोलती थी तो वहाँ पे रूपा आ जाती थी, इसलिए रूपा से बूढ़ी काकी डरती थी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बुधराम का जो बड़ा लड़का है उसका तिलक अर्थात शादी तय हो रही है। उस समय आप देखिए रात का समय था, बुधराम के लड़के की सगाई थी, तो बच्चों रात के समय शहनाई बज रही थी और सभी बच्चे नाच गा रहे थे, सभी खुश थे, चारपाई पे मेहमान जो थे सभी आराम कर रहे थे, गाने गाया जा रहा था, बाजे बज रहे थे, परंतु बूढ़ी काकी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, बूढ़ी काकी के साथ उनका व्यवहार एकदम उदास था। अभी बच्चों बाद में होता क्या है, खाने एकदम बहुत अच्छे अच्छे बन रहे थे, ए बुधराम के लड़के के तिलक के समय खाने आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे स्वादिष्ट खाने बन रहे थे, और ये बूढ़ी काकी को बहुत ही भूख लगा था बच्चों। वो सोचती थी आज बुधराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, यह उसी का उत्सव था,
घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पे कड़ाह चढ़ रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं भट्टियों पे कड़ाहे चढ़े हुए और खाना बन रहा है। कहीं पूड़ियाँ, कहीं कचौड़ियाँ, ऐसे अलग 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 प्रकार के पकवान बन रहे थे। ये बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। उनको बहुत भूख लगा था। वो कोठरी में आप देख रहे हो बैठी अपने बिस्तर पे इंतज़ार कर रही हैं कि कोई मुझे खाना दे। बहुत तेज़ उनको भूख लगा है बच्चों, और खाने का खुशबू भी उनको आ रहा है, परंतु वो बेचारी लाचार हैं, उनको कुछ खाना मिल नहीं रहा है। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। और बच्चों, सभी लोग क्या करते हैं, उत्सव में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेहमान आए थे, सभी मेहमान लोग क्या किए, सभी खाना वगैरह सभी खा रहे हैं। खाना खा करके सभी अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। और रूपा को अभी तक बूढ़ी काकी का ध्यान नहीं आता है कि अरे उनको कुछ खाने नहीं दिए गए हैं। अब वो बेचैन हो जाती हैं, भूख उनको सहन नहीं होता है। तो बूढ़ी काकी कड़ा के पास वहाँ पर चली आती हैं कि वो लोग को ध्यान नहीं है, चलो वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। वो बेचारी वहाँ पर पहुँचती हैं। वह बूढ़ी काकी पर रूपा देखती है और दोनों हाथों से झटक कर बोलती है, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़ है? कोठरी में बैठते हुए तुम्हारा दम घुटता है क्या? उलट और ताने मारने लगती है बच्चों। वह उसे खाना, बूढ़ी काकी को खाना न देकर ताने मारने लगती है कि तुमको ठीक से कोठरी में बैठने को नहीं होता है क्या? थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम्हारे पेट में आग लग गया है क्या? ऐसा उन्हें ताने मारती है। और सभी मेहमानों ने खाना खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तभी तक तुमको धैर्य नहीं है क्या? ऐसा बोलती है। ठीक है, अब फिर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जा कर के फिर से बेचारी रोने लगती है, उनको भूख सहन नहीं होता है, पश्चाताप करने लगती हैं। अब आगे मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगती हैं। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। क्यों बच्चों? क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लगा था और भूख उनको सहन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में वो लोग देख रहे हैं काकी को, बूढ़ी काकी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और एक बार जब वो बाहर निकल जाती हैं और बुद्धिराम देख लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती ला करके उनको फिर से कोठरी में ला करके बंद कर देते हैं। और रूपा मन में निश्चय करती है आज इनको सजा के तौर पे इनको खाना नहीं देंगे। ठीक है, तो उनकी जो लाडली जो लड़की रहती है वो वही मतलब एकमात्र बूढ़ी काकी की सहारा थी। वो बूढ़ी काकी के ऊपर बहुत ध्यान देती थी, अपने हिस्से का खाना वगैरह भी उनको दे देती थी। आज उसने देखा कि मम्मी पापा ने खाना नहीं दिया है तो उसने अपना खाना नहीं खाया, अपने खाने को सामने देख रहे हैं अपने पेटी में रख करके वह माँ के पास सो गई, परंतु उसको नींद नहीं आया क्योंकि उसे बूढ़ी काकी का याद आ रहा है कि भूखी है करके। फिर जैसे ही मम्मी सो जाती है वो अपना खाना ले जा करके वहाँ पर, देखिए यही लाडली है, इसे बूढ़ी काकी बहुत पसंद करती हैं क्योंकि यही एक सहारा है उनके। अब खाना अपना ले जा कर के देती है तो बूढ़ी काकी चार पांच जो पुड़िया रहती है वो खा लेती है, लेकिन उनका पेट भरता नहीं है बच्चों। वो बहुत और भी उनकी भूख बढ़ जाती है। तो वह उसे कहती हैं लड़की को कि बेटा ऐसा करो, मुझे वहाँ लेके चलो जहाँ पे मेहमान लोगों ने खाना खाया था। तो ये लाडली जो है वो दादी जी को वहाँ पर लेके जाती है। कहाँ पर? जहाँ पे मेहमानों ने खाना खा करके जूठे पत्तल वगैरह फेंके हैं। परंतु
ये लाडली को पता नहीं रहता है किस उद्देश्य से काकी वहाँ पे हमें कह रहे ले चलने के लिए। वो छोटी बच्ची है, उसको इतना ज्ञान नहीं रहता है। वो दादी जी को वहाँ पे लेके जाती है, बूढ़ी काकी को। अब वहाँ पहुँचने पर आप देख रहे हैं जो भी जूठे पत्तल में जितने भी जो खाने बचे हैं वह खाना खाने लगती, बिन बिन करके बिन बिन करके वो बेचारी खाना खाने लगती हैं। जब वो खाना खाती हैं तो उनके भूख को थोड़ा शांति मिलती है। परंतु अब आगे देखिए बच्चों, और ये लड़की जो है लाडली वो देखती रह जाती है कि बूढ़ी काकी को कितना भूख लगा है, मम्मी पापा ऐसा क्यों करते हैं। देख रहे हो आप, वो बेचारी ऐसे सोच में पड़ी हुई है। ठीक है, इतने में क्या होता है कि रूपा की नींद खुल जाती है और देखती है तो लाडली उसके बाजू में नहीं है। फिर बाहर आकर के देखती है तो ये नज़ारा देखती है कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तल से खाने समेट करके खा रही हैं और लाडली वहाँ पे खड़ी है। यह देख करके रूपा का मन बहुत दुखी हो जाता है। उनको रियलाइज़ होता है, अरे मैं कितनी गलत कर रही हूँ, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। ठीक है, उनको बहुत बुरा लगता है और कहती है हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण हे दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। ए भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत गलती की है बूढ़ी काकी के साथ। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, उनके नाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी दौलत पर हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय हैं। ऐसा वो सोचती है बच्चों, और वो बहुत दुखी होती है। कौन? बुद्धिराम की पत्नी रूपा। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का दरवाज़ा खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी के पास, आप देख रहे हैं उसको अपने गलती एहसास होता है। जो भंडार घर रहता है जहाँ सब बचे हुए खाने रखे गए रहते हैं, वो वहाँ दिया जला करके सब खाना एक प्लेट में थाली में सजा कर बूढ़ी काकी को लेकर आती है और देती है, और क्या कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आप ये खाना खा लीजिए, अभी ऐसी गलती नहीं होगी। रूपा ने कंठा और रुद्ध स्वर में कहा, एकदम मतलब कंठ उसके एकदम भर आया, दिल भर आया, और कहती काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। ऐसा वो कहती है, लेकिन बूढ़ी काकी जो हैं वह कुछ सुनती नहीं है, उनका ध्यान केवल खाने पे रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बूढ़े और बच्चों का एकदम स्वभाव किस ढंग से मुंशी प्रेमचंद ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार बच्चे भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनका एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ आशीर्वाद निकल रहे थे और रूपा बैठ कर के यह दृश्य का आनंद ले रही थी और वह अपने गलती का एहसास भी कर रहे थे। है ना बच्चों, अभी आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। धन्यवाद बच्चों।